बिल्कुल, हम जनता का सेवा करने उतरे हैं। प्रधानी लड़ेंगे तो फिर हम अपना घर ही बनवाएंगे। सिर्फ हम प्रधानी लड़ना चाहते हैं या विधायकी लड़ना चाहते हैं, जितना गांव के प्रधान जी को वोट मिलता होगा, जितने वोट से वो जीतते होंगे, उतने लोग हमारे यहाँ डेली आते हैं। ऐसा मैं सोचती हूँ कि अब हम कहीं निकले ना। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम है जौनपुर में और हमारे साथ वंदना दुबे जी हैं। जब हम इनका इंटरव्यू करने के लिए आए थे यहाँ पे, तो उस समय आप देखे होंगे हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 48,000 सब्सक्राइबर थे, और देखा जाए तो इस समय हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर मैम हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा कुछ भी नहीं है, बस ये हमारी जनता है, पब्लिक है, वो प्यार देती है। और हम क्या, बस हमारा तो चेहरा रहता है, बात रहता है, बाकी लोग पसंद करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे भाई के चैनल पे आप लोग इतना प्यार दुलार दिए हैं, तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई भी फंक्शन हो वहाँ पे जाते हैं आप, जब वहाँ पे जाते हैं तो क्या लोगों का क्या रिएक्शन होता है, जो लोग देखते हैं या गांव के जो लोग देखते हैं क्या रिएक्शन होता है लोगों का? बहुत अच्छा होता है। अभी तो अभी मार्केट में जाते हैं तो लोग पहचानने लगते हैं, तो हमें खुद ऐसा मैं सोचती हूँ कि अब हम कहीं निकले ना। निकले ना, क्योंकि अभी यहाँ घनश्यामपुर जाएँ या कहीं भी जाएँ, लोग मतलब छोटे बड़े सब वंदना दुबे, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हमें निकलना ही नहीं चाहिए। लोग सोचेंगे देखो वंदना दुबे कैसे घूम रही है, क्योंकि हम एकदम सिंपल सा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वैसे हम कहीं भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बदलाव या मतलब जैसे सब में रहता है, वो सब चीज़ें हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया का क्या पावर है लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शायद इसके पहले इतना ज़्यादा फेमस नहीं थी, जब से आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही हैं, सबसे सोशल मीडिया का यूज कर रही हैं, क्या पावर है लोगों को थोड़ा? बहुत बहुत पावर है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, लोग पहचानते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं और बहुत प्यार मिलता है। यूट्यूब से अभी क्या क्या की है? बहुत, पहली बात तो जनता का सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। जितनी हमारी यूट्यूब फैमिली है, घमंड नहीं करना चाहिए, जितना लोग मतलब जैसे हमारे प्रधान जी हुए, जितना गांव के प्रधान जी को वोट मिलता होगा, जितने वोट से वो जीतते होंगे, उतने लोग हमारे यहाँ डेली आते हैं मिलने के लिए। जितने और आपके मैम तीन चैनल है ना आपके जो चलाती हैं आप? चैनल का मत पूछो, चैनल चार पांच चैनल है। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का ये पावर होता है, और सोशल मीडिया के पावर से ही आज इनको मतलब बहुत सारी जनता, मिलियन में लगभग जनता इनको जानती है, और यहाँ से नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट से इनको जानते हैं। तो ये सोशल मीडिया में एक पावर होती है, और उस पावर का प्रयोग करके यहाँ तक मैम पहुँची हैं। आपने प्रधानी पे गीत गाया था और आपके इतने फैन फॉलोइंग, मतलब मार्केट में भी आपका नाम है, जिस गाँव में रहती हैं उस गाँव में भी आपका नाम है, लोग आपको मानते हैं, चाहते हैं। आपका क्या प्लान है, अगर आपके गाँव वाले कहें कि मैम आप इस गांव के मुखिया बन जाए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ विचार नहीं है हमारा और ऐसा सोचते भी नहीं है। हाँ, हम सिर्फ जनता के लिए लड़ते हैं, और जो हमें सही गलत लगता है उसके लिए हम बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, अपने गीतों के माध्यम से मतलब बयां करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रधानी लड़ना चाहते हैं या विधायकी लड़ना चाहते हैं, हम किसी पार्टी से, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जनता के सहयोगी हैं। अच्छा, जनता के सहयोगी, लेकिन अगर ऑडियंस बोलती, मतलब आपके जो गाँव के लोग हैं, अगर वो कहें कि जब वंदना दुबे के बाद से लोग अगर सुधर जा रहे हैं, अगर वो जिस दिन बन जाएंगी जी, उस दिन गांव का कितना विकास होगा, तो फिर आप क्यों नहीं लड़ना चाहेंगी प्रधानी? नहीं, बस हम सिर्फ ऐसे ही जनता का सेवा करना चाहते हैं। प्रधानी लड़ेंगे तो फिर हम अपना घर ही बनवाएंगे, सिर्फ इसीलिए हम बनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे प्रधान शायद ऐसे ही कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं अपना भला, तो हो सकता है हमारे मन में भी ऐसा विचार न आ जाए, इसीलिए हमें प्रधानी लड़ना नहीं है, सिर्फ लोगों को सुझाव देना है। मतलब आप सोशल मीडिया का ही प्रयोग करके लोगों का भला करेंगे और अच्छे रास्ते हमारे लायक सेवा है। बिल्कुल, हम जनता का सेवा करने उतरे हैं, और हम भी एक गरीब परिवार से हैं, हम गरीबी समझते हैं, और अगर हमारे सामने कोई रो दिया या अपना दुख सुना दिया तो वो मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल होता नहीं, चाहे कोई भी हो जी। हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, बाहर के लोग हो, हम तुरंत लड़ जाते हैं जी। अभी आप संडे आप इंटरव्यू देती हैं, लोगों का सपोर्ट करती हैं, ऑडियंस बहुत सारे क्रिएटर भी आते हैं, अभी
दो तीन संडे से आपका क्या प्लान है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है? नहीं नहीं, दो तीन संडे से तबीयत मेरा खराब था, तो उसके बाद मैंने वीडियो डाल दी कि हम संडे को मिल नहीं पाएंगे। एक संडे को तो ऐसे निकल गया, तबीयत खराब था। फिर दूसरे संडे को मेरी भाभी की तबीयत खराब थी, डिलीवरी हुआ था, मेरा भतीजा हुआ है, तो उसमें हम लोग परेशान थे, बच्चा तकलीफ में था, हम लोग हॉस्पिटल में थे, 10 दिन बाद आए, इसीलिए हम दो तीन संडे से नहीं मिल रहे हैं। आपकी संडे को मिलेंगे सभी से। अच्छा, नेक्स्ट संडे। जी, तो दोस्तों देख सकते हैं, ये थी वंदना दुबे, और इन्होंने कैसे कैसे करके सोशल मीडिया का प्रयोग, जो आप लोग कहते हैं ना यूट्यूब कुछ नहीं है, क्योंकि गांव के बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं बोलती रहती हैं कि यूट्यूब कुछ नहीं है, ये हमको भी बोलते हैं कि आप यूट्यूब कर रहे हैं, पागल हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन आप, हाँ, मैं ज़्यादातर ऐसे इंटरव्यू लेता हूँ जो आप लोगों को मोटिवेट करे, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ। तो इसी में एक वंदना दुबे जी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, ये भी एक गाँव से थी, मैंने इंटरव्यू इनका एक लिया है, फर्स्ट इंटरव्यू है। इन्होंने अपना जो जर्नी था वो शेयर किया है, आप लोग जाके देखिएगा चैनल पर, और सोशल मीडिया का प्रयोग करके आज यहाँ तक पहुँची हैं, और इनके पास देख सकते हैं क्या कुछ नहीं है, और जो भाई मान सम्मान है वो तो है ही। तो आप भी सोशल मीडिया का प्रयोग करके, आपके अंदर टैलेंट है तो आ करके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और प्यार आशीर्वाद पा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम जो लोग देख रहे हैं आपको? सभी को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही अपना प्यार दुलार सब पे बरसाए रहिए, और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जैसे आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, वैसे हमारे भाई को, चैनल को सपोर्ट करिए, इनको भी अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए, ताकि अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।